हेलो फ्रेंड्स, सपोज आप गर्मी का टाइम पे रास्ते से जा रहे हो एंड आपको प्यास लगा है एंड इस प्यास को बुझाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक वाटर बॉटल। बाई 15 to 20 rupees के अंदर एक लीटर का एक पानी का बॉटल मिल जाएगा आपको। बट डू यू नो हाउ मच इट विल कॉस्ट इन स्विट्जरलैंड? सेम वाटर बॉटल का प्राइस पड़ेगा आपको 300 rupees। एंड ड्यूरिंग द लंच टाइम अगर आप घर से बाहर हो, आपको बाहर लंच करना है, देन बाई 100 to 200 rupees के अंदर एक अच्छा सा लंच मिल जाएगा। बट द सेम लंच के लिए आपको स्विट्जरलैंड पे करना पड़ेगा 2000 rupees। येस, इट इज़ दैट मच ऑफ एक्सपेंसिव। सो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वाई स्विट्जरलैंड इज सो एक्सपेंसिव एंड इतना एक्सपेंसिव है, बट स्टिल वाई इट इज़ द नंबर वन डेस्टिनेशन फॉर एवरी वन। स्विट्जरलैंड माउंटेन से घिरा एक ब्यूटीफुल कंट्री है एंड ज्यूरिच सबसे खूबसूरत सिटी है स्विट्जरलैंड पे। एंड हर कोई मरने से पहले एक बार स्विट्जरलैंड जरूर विजिट करना चाहता है। एंड स्विट्जरलैंड इज़ द नंबर वन टूरिस्ट स्पॉट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसीलिए होटल, प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाउस ऑलवेज हाई डिमांड पे रहता है एंड हाई डिमांड की वजह से प्राइस आसमान छू रहा है। दैट इज़ वाई 80% लोग रेंट पे रहना प्रेफर करता है। सिटी के अंदर एक नॉर्मल वन बेडरूम हाउस का रेंट 1,60,000 rupees पड़ता है एंड इफ इट इज़ आउट ऑफ सिटी देन नियर अबाउट 1,00,000 rupees। एंड अगर आपको स्विट्जरलैंड पे एक नॉर्मल हाउस खरीदना है देन यू हैव टू पे 8 to 9 crore rupees विच इज़ रियली मैसिव। स्विट्जरलैंड एक डेवलप एंड स्मॉल कंट्री है एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्विट्जरलैंड इज ओनली 88 lakh। एज द कंट्री इज़ वेरी स्मॉल, कल्टिवेशन के लिए उतना स्कोप नहीं है बिकॉज लैंड एंड एनवायरमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री में एनवायरमेंट थोड़ा हार्ड होता है, ज़्यादा कोल्ड होता है एंड ड्यू टू ज़्यादा कोल्ड के वजह से कल्टिवेशन होता नहीं उतना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरीज, खाने का सामान लाइक राइस, दाल, मीट, ये सब बाहर का कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है एंड एज अ रिजल्ट इम्पोर्ट टैक्स लगने की वजह से फूड प्राइस बहुत ही हाई हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल प्राइस मैनिपुलेशन तो है ही। एज स्विट्जरलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है इसीलिए उन लोगों को पता है हम लोग जो भी प्राइस रखेंगे लोग अफोर्ड कर लेंगे, बिकॉज घूमने का टाइम लोग ज़्यादा प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देता है। एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ फूड प्राइस शेयर करता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना महंगाई है। अगर आपको 1 kilo राइस ख़रीदना है देन आपको 230 rupees पे करना पड़ेगा एंड अगर आपको 1 kilo पोटैटो ख़रीदना होगा देन यू हैव टू पे 198 rupees। 1 kilo टमाटो का प्राइस 328 rupees एंड अगर 1 liter दूध खरीदोगे आप तो आपको 134 rupees पे करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द वीकेंड इफ यू आर थिंकिंग टू हैव अ चिकन देन आपको 2000 rupees पे करना पड़ेगा फॉर 1 kilo चिकन। अगर आप स्विट्जरलैंड का सिटीजन हो एंड आपके पास खुद का कार नहीं है देन बी रेडी टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिकॉज 1 hour टैक्सी राइडिंग के लिए आपको 5000 rupees पे करना पड़ेगा। ये प्राइस एक्चुअली टूरिस्ट लोगों को पनिश करने के लिए रखा है बिकॉज स्विट्जरलैंड पे मोस्ट ऑफ द लोगों के पास अपना खुद का कार है। स्विट्जरलैंड एक्चुअली स्पेंडिंग इकोनॉमी है एंड द जॉब मार्केट इज रियली हाई। एक नॉर्मल इंसान मंथली 5 to 6 lakh rupees अर्न कर लेता है एंड अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से है देन उन्हें मिनिमम 10 lakh rupees सैलरी मिल जाता है। स्विट्जरलैंड इज नोन फॉर रिच चॉकलेट एंड स्विस वॉचेस। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच कंपनी रोलेक्स स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है। स्विट्जरलैंड पे एक नॉर्मल हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिक बिल आता है 15 to 17,000। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको सिनेमा हॉल जाना है देन फॉर 1 movie टिकट के लिए आपको 4,500 rupees पे करना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड पे मेडिकल कॉस्ट इज़ टू हाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर प्राइवेट एंड उन सब हॉस्पिटल में मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। फॉर 15 minutes डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए आपको 12 to 15,000 rupees पे करना होता है इन स्विट्जरलैंड। हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी स्विट्जरलैंड पे। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक अच्छा खासा पैसा चला जाता है स्विस पीपल का। इफ यू आर थिंकिंग टू विजिट स्विट्जरलैंड आई ऑलरेडी टोल्ड द प्राइस, सो स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे। दैट्स ऑल, यही था आज का वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।